दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग IPL का इंतजार दुनिया भर के सभी क्रिकेटर प्रेमियों को रहता है। IPL 2019 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाना है, लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले ही यह खबर निकल कर आई है कि RCB के दो बड़े प्लेयर्स IPL के कई मैच नहीं खेलने वाले हैं। RCB के बड़े प्लेयर्स मार्कस स्टोइनिस और नेथर कुल्टर नाइल IPL के कई मैच नहीं खेलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या पूरा मामला। वर्ल्ड कप और लोकसभा चुनाव के चलते IPL का काफी बदल गया है, क्योंकि हमेशा IPL अप्रैल में शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार IPL मार्च में ही शुरू हो गया है और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की वनडे सीरीज कलेश हो गई है। इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान के साथ 5 ODI मैचों की सीरीज 31 मार्च तक खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स 31 मार्च तक इंडिया नहीं आएंगे। मार्कस स्टोइनिस और नेथन, ये दोनों प्लेयर्स RCB के प्लेयर्स हैं। मार्कस स्टोइनिस को तो RCB के बड़े ट्रेंडिंग के जरिए ये RCB में आए थे और RCB में इनको बहुत उम्मीद थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों खिलाड़ियों के ना खेलने की वजह से RCB को नुकसान होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।